हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टी वाई बी कॉम सेम 6 के एग्जाम का पेपर का डिस्कशन करेंगे, जो कि दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ है। जिससे आप लोग के जो भी आंसर है, आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम अप्रैल में देने वाले, तो उनके लिए एक बोलते ना गाइडेंस मिल जाएगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगा, इस पेपर के अंदर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग बैठकर सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि सेमेस्टर 6 के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, जहां पर आपको 100% पासिंग गारंटी यदि आप पढ़ते हो तो। क्योंकि आप देख सकते हो, बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया हूं, जहां पर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप देख सकते हो। बाकी आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे साथ में कांटेक्ट में भी रह सकते हो। अभी हम लोग इसके आंसर की के बारे में बात करते हैं कि क्या आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करने नहीं बैठने वाला हूँ, जस्ट मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, उसके फाइनल आंसर बताऊंगा। आप लोग सॉल्व करना, डाउट रहेगा तो आप लोग बताना, मैं ट्राई करूंगा अलग से बाद में इसके ऊपर पूरा लेक्चर लेकर सॉल्व करा दूं, क्योंकि अभी इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर दिया हूँ, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इसके आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1A का ऑब्जेक्टिव का। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन स्टॉक, टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन स्टॉक कितना रहेगा, वो है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, ईच आइटम ऑफ स्टोर कितना है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है। फोर्थ है, नोशनल प्राइस आ जाए, प्रॉफिट आएगा ऑप्शन। फिफ्थ का राइट ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिक्स का राइट ऑप्शन आएगा अबनॉर्मल लॉस। सेवंथ का राइट ऑप्शन आएगा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। एट का राइट ऑप्शन आएगा एक्सेस ऑफ प्रेजेंट सेल्स वैल्यू ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। नाइन्थ में स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। टेंथ में आ जाएगा यहाँ पर अनफेवरेबल वेरियंसेस आ जाएगा। इलेवेंथ में आ जाएगा क्वान्टिटी वेरियंसेस आ जाएगा। 12th में कॉस्ट ड्राइव आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1A के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1B का ट्रू फॉल्स पूछा गया था, तो जिसके अंदर फर्स्ट टू सिक्स ट्रू ये है, मतलब फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, फिफ्थ ट्रू है, सिक्स ट्रू है, सेवंथ एट नाइन फॉल्स है, मतलब सेवन एट नाइन फॉल्स है, 10 भी फॉल्स है, 11 फॉल्स है, 12 फॉल्स है। अभी प्रोसेस पी, प्रोसेस अकाउंट पूछा गया था, प्रोसेस एक प्रोसेस 5 मार्क का था, जहां पर आपका इनपुट मटेरियल यूनिट में 30,000 आ जाएगा, टोटल अमाउंट था 3 लाख, बाकी जैसा पोस्टिंग करना था अमाउंट देखकर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, इसके चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नॉर्मल लॉस 3000 यूनिट आएगा, जिसका अमाउंट आ जाएगा 6000। अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा 2000 यूनिट, जिसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 30,000। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में जो अमाउंट आएगा 2500 यूनिट आएगा, जिसका अमाउंट रहेगा 3,75,000। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट यदि हम लोग निकालते हैं तो 15 रुपीज आता है। कितना आता है? 15 रुपीज आता है। प्रोसेस क्यू का भी अमाउंट आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस पी से जो ट्रांसफर हुआ 3,75,000, सैलरी मटेरियल 43,000 है, डायरेक्ट लेबर 18,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 12,500 है, प्रोडक्शन ओवरहेड 9,000 है, अब नॉर्मल गेन दिया हुआ है 10,000 है, यहाँ पर नॉर्मल लॉस 2,500 7,500 यहाँ पर आया था, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में 23,000 और 4,60,000 आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे यूनिट से तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस आर में टू प्रोसेस क्यू से जो आया 23,000 4,60,000 आ जाएगा। यहाँ पर सैंडरी मटेरियल आ जाएगा 37,000, डायरेक्ट मटेरियल 15,000 आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,700 आ जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000 है, नॉर्मल लॉस 2,300 से यहाँ पर आ जाएगा 9,200, अब नॉर्मल लॉस 700 17,500 आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट रहेगा 20,000 यूनिट 5 लाख आ जाएगा।
रेट की बात करें तो 25 आ जाएगा। नॉर्मल लॉस का 2 मार्क्स के लिए है यहाँ पर, जिसके अंदर प्रोसेस PQR का यूनिट और अमाउंट आ जाएगा नॉर्मल लॉस का, और सेल्स में भी सेम आ जाएगा। अब नॉर्मल गेन का बाइफरकेशन यहाँ पे 1500 रुपीस दिया है। अभी हम लोग यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस पे आते हैं। इस अकाउंट में भी प्रोसेस PQR का यूनिट्स का आ जाएगा, कैश कैश जो भी रहेगा यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब नॉर्मल गेन का भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो इसके सेम ऐसे यहाँ पर आ जाएगा बाई प्रोसेस क्यू नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और यहाँ पर भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर 1 मार्क्स का था। इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन वापस से 2 का प्रोसेस कॉस्टिंग ये था, तो मैं अभी डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। आप लोग चाहिए तो आपको बाद में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो इसमें जो रहेगा नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट आएगा, और यहाँ पर 5000 बाकी ये सब पोस्टिंग होता है, ठीक है, उठा उठा के आपको सेम अमाउंट यहाँ पे पोस्टिंग करना रहता है। यहाँ पर बाई प्रोसेस का नेक्स्ट प्रोसेस में 90,000 यूनिट जाएगा 380,000 का, और हम लोग 19,000 यूनिट सोल्ड कर देंगे 4,75,000 से। तो जो प्रोसेस एक्स रहेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा। प्रोसेस वाई की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल लॉस रहेगा 9,000 अमाउंट आ जाएगा। प्रोसेस जेड में हम लोग 60% ट्रांसफर करेंगे तो 16,200 यूनिट आ जाएगा, और अमाउंट रहेगा 4,86,000, और आउटपुट का जो सोल्ड करेंगे 10,800, अमाउंट 3,78,000। कॉस्टिंग इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, फिलहाल तो ये वर्ड फाइल में तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चलेगा, आप लोग ऐसे ही ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 54,000। अभी यहाँ पर जेड प्रोसेस का भी सेम है, बाकी थे पिछले प्रोसेस से वाई से ट्रांसफर हुआ हुआ अमाउंट आ जाएगा, बाकी न्यू इनपुट का जो रहेगा वो यूनिट लिख देंगे, जितने भी खर्चे हैं सब यहाँ पे लिख देने का, नॉर्मल लॉस और आउटपुट 100% सोल्ड किया तो ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है, बाकी जो भी रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा यहाँ पर। ऐसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर बनाना था, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बाई प्रोसेस एक्स वाई जेड आपको लिख कर अमाउंट लिख देना है। यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा, और अब नॉर्मल गेन का भी यहाँ पर अमाउंट आपको, अब नॉर्मल गेन अकाउंट्स का भी टू नॉर्मल लॉस में इतना आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस में इतना आ जाएगा, बाय प्रोसेस जेड में ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से था, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 से है, 12 मार्क्स के लिए, ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का था। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, आर्किटेक्ट फीस, डेप्रिसिएशन, ये तो नोशनल प्रॉफिट बाद में आ जाएगा कैलकुलेट करके। क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अमाउंट लिखने का, टोटल मारेंगे नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। नोशनल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट 2/3 1/3 कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो बाकी का रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स 8 मार्क का था, तो नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ही तो जो कंप्लीट हो गया, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के जो खर्चे रहेंगे वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कितना हम लोग का कितना नोशनल प्रॉफिट में जाएगा, कितना आपका सॉरी कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कितना रिजर्व में। वापस से क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग आया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया था, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, PQ का 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे सब डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, इसके ऊपर वाले का आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो जितने भी खर्चे थे, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजर चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, तो जितने भी प्लांटेड साइट, तो इसमें लॉस एक कॉन्ट्रैक्ट में 529,000 का लॉस आ जाएगा, और एक में प्रॉफिट आएगा।
और रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था, कितना 2/3 3/3 कितना जाएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन है सब फॉर्मूले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पीबी रेशियो पूछा गया था, तो पीबी रेशियो निकाला गया, ठीक है 25% आएगा। फिक्स कॉस्ट पूछा गया था, 1,75,000 आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया था, तो जिसका अमाउंट 7 लाख आ जाएगा। डिजायर प्रॉफिट पूछा गया था, जिसका अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। रिक्वायर्ड सेल्स पूछा गया था, 2,70,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से यहाँ पर बनाना था, तो यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 12,100। स्टॉक लेजर से कंट्रोल से इतना अमाउंट आएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट से इतना आ जाएगा। FOH कंट्रोल अकाउंट से इतना आ जाएगा। बाकी ये 26,100 आ जाएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस 4,500 आ जाएगा। WIP का 52,000, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में 65,000 और जो बैलेंस आ जाएगा 17,500 कैरी डाउन में। ऐसे WIP कंट्रोल अकाउंट का फिनिश गुड्स का 72,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन में 6,400 आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन 2,400। स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब के अमाउंट यहाँ पर आप लोग अपने मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट्स का भी सेम, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, WIP कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ये सब आपको दिया था, एक एक मार्क्स सबके है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट्स के भी WIP वेजेस कंट्रोल 15,000 था और 2,500। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट लेजर कंट्रोल के अमाउंट है, तो सब आप लोग चेक कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। इसके अलावा बाकी तो थियरी क्वेश्चन था, आई होप थियरी तो आप लोग लिख लिए रहोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।